मंगलसूत्र एक ऐसी ज्वेलरी जो कि लेडीज लोग के काफी दिल के करीब होती है एंड वी ऑलवेज लुक फॉर द न्यू डिजाइन्स टू मेक अवर लुक मोर ब्यूटीफुल। वेल हमारे आज के वीडियो में जो गोल्ड के मंगलसूत्र मैंने आप लोगों के लिए लाए हैं, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 4.43 ग्राम एंड इवन द प्राइजेस आर स्टार्टिंग बिलो 40,000। एज यूजल की तरह काफी यूनिक वेराइटी का एंड हट के कलेक्शन आप लोगों के लिए लाया है। वेल ये 2024 के बेस्ट मंगल सूत्र डिजाइन है फ्रॉम मालाबार। वीडियो को स्किप मत कर। हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। में आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। वेल अभी अक्षय तृतीया आने वाली है, अक्षय तृतीया पे जो गोल्ड लेना है काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, तो छोटा मोटा परचेस का आपका प्लान तो जरूर होगा। एंड मुझे याद है आपकी ना मंगलसूत्र के लिए मुझे काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इस वक्त मैं हूँ हमारी फेवरेट ज्वेलरी स्टोर में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। तो अभी गोल्ड के रेट तो हाई है, आई टोटली कैन अंडरस्टैंड, बट फिर भी आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ जो कि अभी नया कलेक्शन आया है, साथ साथ में ये काफी ट्रेंडी है, लाइट वेट है एंड एफोर्डेबल कलेक्शन है। तो यहाँ पे जो मेकिंग चार्जेस है वो भी कम है, तो अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप इनको परचेस भी कर सकते हो। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं हमारे आगे की कलेक्शन की तरफ। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, मेक श्योर आपने आयशा द ब्लॉग्स को सब्सक्राइब किया होगा। सो माई लवली लेडीज एंड ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स, आवर कलेक्शन इज फ्रॉम मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स कोंडापुर ब्रांच हैदराबाद। एंड अभी ना यहाँ पे कलेक्शन काफी अमेजिंग आया है ड्यू टू फेस्टिव सीजन एंड मैरिज सीजन। सो इफ यू वॉन्ट टू मेक एनी काइंड ऑफ परचेज, डू विजिट हियर। एंड आफ्टर लॉन्गेस्ट टाइम गोल्ड के रेट थोड़े कम भी हो गए हैं, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने ट्राई किया कि छोटे से वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन दिखाऊँ, तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है तो कुछ भी मिस मत करना। 16 के आसपास मैंने डिजाइन शो किए हैं विथ ट्राई ऑन। दिस इज़ अवर फर्स्ट मंगलसूत्र एंड ये एकदम ट्रेडिशनल वाले तो नहीं है, लाइक ट्रेंडी है, कुछ ट्रेडिशनल है, ऐसा मिक्स कलेक्शन है। दिस इज इन 11 ग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पैटर्न कितना सुंदर है। 83,500 के आसपास हमें प्राइस आएगा। वेल 17.40% के आसपास हमें इसके मेकिंग चार्जेस लगेंगे। दिस इज द क्लोजअप लुक एंड ट्राई ऑन में तो ओ माई गॉड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो ये ट्राई ऑन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप इसका पॉज भी करके और अच्छे से देख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वेल मुझे ना चाहे कौन सी भी ज्वेलरी हो, ऐसे ट्रेंडी या क्यूट टाइप ज्वेलरी बहुत पसंद आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो पेंडेंट है कितना क्यूट लग रहा था। वेल दिस इज इन जस्ट 6.89 ग्राम। ये प्योर 22 कैरेट गोल्ड के हैं सारे ही हमारे कलेक्शंस, तो ये कोड है आपके लिए। प्राइस पड़ेगा 45,700। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मेकिंग चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है, बिकॉज ये डेलिकेट ज्वेलरी है, इसके ऊपर क्राफ्टमैनशिप बहुत ज़्यादा लगती है, सो शायद इसके मेकिंग चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है। बट यार डिज़ाइन भी तो देखो, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। वेल जो मंगलसूत्र होते हैं ना, ब्लैक बीड्स के बिना तो यार नहीं होता है, सो किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। इट्स योर चॉइस कि आपको किस तरह का लेना है मंगलसूत्र। सो मैंने ट्राई किया कि इवन ज़्यादा गोल्ड वाला भी कलेक्शन आपके और साथ इसमें शेयर करूँ, तो आप चेक कर लेना। दिस इज़ इन 10.35 ग्राम। हमें इसका प्राइस पड़ेगा 78,500 के आसपास। बट इतने सुंदर डिज़ाइंस आए हैं ना इस बार। वेल मैं यहाँ पे अनारकली पहन के गई थी बिकॉज और 2-3 शूट्स थे एंड इसके ऊपर ये इतने सुंदर लग रहे थे ना। वेल हमारा जो नेक्स्ट मंगलसूत्र है, तो मैं सबके आपको ग्रॉस वेट बता रही हूँ, जो नेट वेट है वो टैग के ऊपर आप देख सकते हो, इवन मेकिंग चार्जेस भी है। हमारे प्राइजेस सबके मेकिंग चार्जेस इंक्लूडेड करके ही होते हैं हमेशा। यहाँ पे मेकिंग कम है 14.90%। हमें इसका वेट आएगा 11.24 एंड द प्राइस आएगा 84,700। ये सारे अप्रोक्सीमेटली प्राइस है, गोल्ड के रेट मतलब कुछ भी भरोसा नहीं है, अभी तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। द मोस्ट लविंग मंगलसूत्र फॉर ब्राइड्स एंड फॉर एनी फेस्टिव सीजन वी वेयर दिस काइंड ऑफ मंगलसूत्रस। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, ट्रेडिशनल है बट सुंदर बहुत लगते हैं। 13.25 ग्राम का हमें ये मंगलसूत्र आएगा, इसमें गोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें इसका जो प्राइस है वो पड़ेगा 1,02,000 के आसपास। काफ़ी ज़्यादा गोल्ड इसमें ऐड किया है एंड ओ माय गॉड, सच बता रही हूँ ये साड़ी के ऊपर इतना सुंदर लगता है ना। एनी काइंड ऑफ पूजा, एनी काइंड ऑफ फेस्टिवल आप इसको पहन सकते हो एंड किसी की शादी में भी जा रहे हो मान लो, तो ये पहन के उसके ऊपर लॉन्ग नेकलेस पहनने के बाद जो लुक आएगा ना, इट विल बी लाइक अ नेक्स्ट लेवल। वेल मैंने काफ़ी बार मंगलसूत्र आपके साथ शेयर किए हैं, बट ऐसा कोई मंगलसूत्र मैंने तो नहीं देखा था, बट यहाँ पे मुझे इस बार मिला। ओ भाई ये इतना ज़्यादा फैंसी है, एक साइड में टोटल गोल्ड का चेन है, एक साइड में सिर्फ ब्लैक बिट्स का है।
इसका वेट हमें आएगा 7.88 ग्राम एंड 7.13 ग्राम हमें इसका नेट वेट आएगा। जो अप्रोक्सीमेटली प्राइस हमें यहाँ पे आ रहा है इसका वो है 56,000। इफ यू आर सच लाइक मंगलसूत्र लवर्स एंड आपको अच्छा लगता है नए नए डिजाइंस आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना या ऐसे नए नए लुक्स क्रिएट करना, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दिस वन। बहुत अमेजिंग एंड यूनिक लग रहा था। वेल हमारा जो नेक्स्ट मंगलसूत्र है यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो पेंडेंट है ना, ये मतलब हम जो चैन में पहनते उस तरह का पेंडेंट है एंड इसमें थोड़े से सीजेट का भी काम किया है। दिस इज इन 10 ग्राम। हमें अप्रोक्सीमेटली प्राइस आएगा 76,000 के आसपास। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है एंड आप अगर किसी की टी पार्टी में जा रहे हो या किसी फ्रेंड के यहाँ पे जा रहे हो फंक्शंस के लिए, कुछ भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो आप ऐसे मंगलसूत्र भी पहन सकते हो। बहुत सुंदर लगते हैं एंड इसका जो लुक आता है ना यार, बहुत अमेजिंग लगता है। सो आप देख सकते हो। वेल हमारा जो नेक्स्ट मंगलसूत्र है ना, यहाँ पे इतना सुंदर ये फ्लावर लगाया है इन्होंने। दिस कम्स लाइक ये थोड़ा सा ट्रेंडी पैटर्न में आ जाएगा एंड जो नीचे के साइड में ड्रॉप दिया है ना इन्होंने विथ ब्लैक बिट्स, इट वाज लाइक वेरी यूनिक फॉर मी। 7.61 ग्राम का है ये। इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, रोडियम का भी काम किया है आई गेस। एंड जो प्राइस हमें यहाँ पे पड़ रहा है दिस इज़ लाइक 51,400। बट आप इसका लुक देख सकते हो, इसको बीच में लेयर में बनाया है एंड जो पैटर्न है इसका आप देखो कुछ इस तरह से आ जाएगा। सो मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ ट्राई ऑन्स एंड एवरीथिंग फॉर यू ऑल। सो मेक श्योर आपने एक प्यारा सा कमेंट भी किया होगा, एक लाइक भी किया होगा। वेल जिनको ओनली ब्लैक बीट्स में मंगलसूत्र पहनना होता है ना, आई थिंक दिस वन इज द गुड ऑप्शन फॉर यू। दिस इज इन जस्ट 7.21 ग्राम। इसमें जो गोल्ड है वो है 5.74 ग्राम का। प्राइस हमें पड़ेगा 45,000 के आसपास। बट सच बता रही हूँ इसका जो भी लुक होता है ना, ये भी बहुत सुंदर होता है। कम्प्लीटली ब्लैक बीट्स ज़्यादा है इसमें, सो यू कैन चेक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मंगलसूत्र है ना, यहाँ पे जो जो मंगलसूत्र की वाटी बोलते हैं ना, ये एक सिंगल है। यहाँ पे 5.35 ग्राम का हमारा ये मंगलसूत्र है। जो गोल्ड है 4.84 ग्राम है। 14.90% के आसपास यहाँ पे हमें VA लगेगा एंड जो प्राइस हमें पड़ेगा 37,900 के आसपास। सो आप देख सकते हो ये सारे ही मंगलसूत्र ना अभी स्टोर में भी अवेलेबल है, बिकॉज अभी अक्षय तृतीया आई है एंड इतना कलेक्शन आया है इस बार गाइस। सो मैं ट्राई करूँगी कि थोड़े थोड़े टाइम में आपके साथ ये कलेक्शंस शेयर करूँगी। वेल दिस इज लाइक ऐसा लगता है कि जस्ट चैन पहना है। जिनको ब्लैक बीट्स ज़्यादा पसंद नहीं है, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। 5.96 ग्राम में हमें ये आएगा। बहुत ही कम ऐसे ब्लैक बीट्स का काम किया है इसमें। सो गोल्ड भी इसमें ज़्यादा है। प्राइस पड़ेगा 45,400 के आसपास। तो आप देख सकते हो इसमें जो गोल्ड है 5.79, ऑलमोस्ट 20 कुछ ऐसे है इसमें से लगाए हैं ब्लैक बीट्स। एंड आप देखो जो लुक है, सो सारे ही लुक ना आपके सामने है, तो आपको बैठे बैठे आइडिया आ जाएगा। एक और इस पैटर्न का मंगलसूत्र देखते हैं जिसमें एक साइड में ब्लैक बीट्स है, एक साइड में टोटल चैन है। 8.28 ग्राम हमें इसका वेट आ जाएगा। जो प्राइस हमें यहाँ पे आ रहा है दैट विल बी लाइक 58,800 के आसपास। सो 7.52 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज़ किया है एंड जो पेंडेंट आपके सामने है ना, वो थोड़ा सा एडजस्टेबल है, वहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हो। लेकिन सच में यार ये कॉन्सेप्ट्स एंड ये डिज़ाइंस इतने सुंदर है ना कि ऐसा लगता है कहाँ से लाते, इतने सुंदर, कितना ट्रेंडी लग रहा है ये। सीरियसली लाइक नॉर्मल तो हम हमेशा पहनते, बट समटाइम्स टू फ्लॉन्ट योर ब्यूटी एंड टू फ्लॉन्ट योर ज्वेलरी कलेक्शन यू शुड ट्राई दिस काइंड ऑफ डिज़ाइंस, जो कि थोड़े से हटके लगते हैं। वेल ईवी लाए अगर आपने देखा होगा तो ईवी लाए में आजकल हर ज्वेलरी मिलती है और आजकल हर कोई पहनना भी चाहता है ईवी लाए की जितनी भी ज्वेलरी होती है वो। एंड पहली बार मुझे ऐसा कोई मंगलसूत्र मिला जिसमें थोड़ा सा ईवी लाए का डिज़ाइन बनाया है। आपको नज़र से बचना है तो सच में आपने एक बार इसको ट्राई करना चाहिए। 9.20 ग्राम का हमारा ये मंगलसूत्र है। प्राइस हमें पड़ेगा 69,200 के आसपास। बट क्या डिज़ाइन बनाई है सच में। एंड अगर आपको मान लो सिर्फ ये पेंडेंट चाहिए एंड ऊपर का ज़्यादा चैन का पैटर्न चाहिए, तो वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो मालाबार में। वेल हमारा जो नेक्स्ट पेंडेंट एंड जो सॉरी नॉट पेंडेंट हमारा जो नेक्स्ट मंगलसूत्र है, इसका पेंडेंट मुझे बहुत सुंदर लगा, ये मुझे बोलना था। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो सीजेट का भी काम किया है। 11 ग्राम के आसपास हमें इसका वेट आएगा एंड जो प्राइस हमें यहाँ पे पड़ेगा वो है 85,000 के आसपास।
सो लास्ट मेरे एक दो वीडियोज ही मैंने अभी शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, बैंगल का एंड ईयर रिंग का। आप लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारा प्यार दिया एंड भर भर के आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। थैंक यू सो मच गाइज। आप जब भी ऐसे कमेंट्स करते हो ना, सच में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं और वीडियोज़ बनाने हैं। सो थैंक्स फॉर ऑल द लव ऑलवेज। आप लोग, यू गाइज आर सो काइंड एंड आई विल ऑलवेज ट्राई टू शेयर विथ यू ऑल मोर एंड मोर यूनिक ज्वेलरी कलेक्शंस। बढ़ते हैं इस मंगलसूत्र के ऊपर, जहाँ पे लीफ पैटर्न का हार्ट शेप का ऐसा ब्यूटीफुल पेंडेंट बनाया है। जस्ट 5.5 ग्राम कॉप का ये मंगलसूत्र आएगा, मेकिंग भी कम है, प्राइस पड़ेगा 40,000 के आसपास। एंड आप देख सकते हो इसका जो लुक है काफ़ी सिंपल है, एलिगेंट है। हमारे एंटायर वीडियो का सबसे ज़्यादा लाइट वेट मंगलसूत्र, जिसका जिक्र मैंने बिगिनिंग में किया था, 4.43 ग्राम का ये मंगलसूत्र है। एंड आप देखो यार, इतने कम में कितना सुंदर इन्होंने डिज़ाइन बनाया है। जो प्राइस है हमें यहाँ पे पड़ रहा है 33,800 के आसपास, 14.90% के आसपास आपको मेकिंग चार्जेस लगने वाले हैं। एंड इतने गोल्ड के रेट हाई है, बट समटाइम्स ऐसी कोई ज्वेलरी जब मिलती है ना थोड़ी सी लाइट वेट में एंड एफोर्डेबल में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करने में। सो प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट टू परचेस अ मंगलसूत्र नाउ, तो आप इनको एक बार ज़रूर चेक कर लेना। सो माई लवली सब्सक्राइबर्स, मैं आशा करती हूँ कि ये सारे मंगलसूत्र के डिज़ाइंस आपको पसंद आए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी देखना है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो।